असलामुअलैकुम आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और इंडिया में भी इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स दिख रहे हैं और अभी इसके नए नए मामले केसेस सामने आ रहे हैं दोस्तों। और इसे WHO ने पैंडेमिक ये घोषित कर दिया है। ऐसे तीन वर्ड हैं दोस्तों, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है एंडेमिक और एक होता है पैंडेमिक। ये महामारी क्यों है, ये जो डिसीज़ है, अगर एक स्पेशलाइज्ड एरिया में उस एरिया के पूर्ति ही अगर होंगे तो उसे बोलते हैं एपिडेमिक। और ये बहुत बड़ा एरिया कवर किया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा महाराष्ट्र हो या पूरा इंडिया हो, हम सपोज़ कर सकते हैं कि एक नेशन, अगर पूरा एक नेशन में अगर ये बीमारी फैली हुई हो तो इसे कहते हैं एंडेमिक। और पूरी दुनिया में अगर ये वायरस या कोई बीमारी फैलती है तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा दोस्तों कि एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक का मतलब क्या है। तो कोरोना वायरस ये डेफिनेटली पैंडेमिक में आता है और कोरोना वायरस जो है आज पूरी दुनिया को इस बीमारी से परेशान किया है। ये चीन के वुहान इस शहर में से ये वायरस निकला है और यहाँ पे जो है ये दिसंबर में ये वायरस की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। इसीलिए इसे COVID-19 ऐसे भी कहा जाता है। इसका मतलब है कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 में ये पैदा हुआ है दोस्तों। और मेरे ख्याल से लगभग ये इंडिया में जो है फरवरी में ये दाखिल हुआ है और पूरी दुनिया में ये हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका से इटली और बाकी के जो देश है, ईरान, अभी इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से ये तीन देश हैं। जहाँ से ये वायरस निकला था, मतलब चाइना से, तो वहाँ पे तो ये अभी ठीक है, वहाँ के लोग अभी स्वस्थ है, सेहतमंद है और वहाँ से लगभग ऐसे कहा जा सकता है कि ये वायरस निकल चुका है दोस्तों। ऐसे टाइम टू टाइम ऐसे अलग अलग डिसीजेस या वायरसेस या महामारी निकलती रहती है। बीच में आपको पता होगा कि स्वाइन फ्लू निकला था, उसके पहले चिकनगुनिया या बर्ड फ्लू, ऐसे बहुत से डिसीजेस टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं और ये 10 साल के अंतर से ऐसे आते रहते हैं। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अभी जो ये कोरोना वायरस है इसके एक फैमिली का एक वायरस है। इसके फैमिली में अलग अलग प्रकार के वायरस है दोस्तों। तो ये SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2004 में भी शायद चाइना में आया था दोस्तों। तो इस प्रकार से ये कोरोना वायरस ने अभी थैमान दिया है और इसका ट्रीटमेंट अभी लोगों को पता नहीं है दोस्तों। बस कोई भी वायरल डिसीज़ हो, मलेरिया हो, डेंगू हो या फिर अभी का कोरोना हो या स्वाइन फ्लू हो, इनको ऊपर जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम शुरुआत में करते हैं दोस्तों। भी जैसे मलेरिया स्वाइन फ्लू की बात छोड़ दिया, अगर डेंगू की बात पकड़ेंगे तो डेंगू के लिए कौन सा ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल, नथिंग। सिर्फ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे डेंगू को नीचे लाते हैं दोस्तों। वैसे ही हमें जो है कोरोना वायरस का ना तो वैक्सीन है ना तो इसका ट्रीटमेंट का कोई फार्मूला अभी तैयार हुआ है दोस्तों। फिर भी अभी जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट आता है, ये सोच पैदा हो रही है कि ये इसका ट्रीटमेंट तो नहीं निकला है, फिर ये बीमारी ठीक कैसे क्या हो रही है। तो दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हम इस प्रकार से करेंगे कि कोरोना ये वायरस है और वायरस जब बॉडी में एंटर होता है तो ये मल्टीप्लाई होते रहता है। मल्टीप्लाई मतलब 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, मतलब ये बढ़ते रहता है, इसकी संख्या मल्टीप्लाई होती रहती है। तो इसे हम बोलते हैं वायरल लोड। जब किसी डिसीज़ का वायरल लोड बढ़ता है तो उसके सिम्टम्स जो है बाहर आना चालू होते हैं और एक बार उसका वायरल लोड हाई लेवल पे चला जाए तो फिर वो डिसीज़ से वो दूसरों को भी वो डिसीज़ ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट का फंडा एक ही है दोस्तों, कि उस वायरल लोड को हमें कम करना है दोस्तों। अभी एक ताज़ा न्यूज़ मैंने देखा है कि जो दिल्ली में जो मरकज़ में लोग फंसे हुए थे, वो किसी की भी गलती से वो लोग फंसे हुए होंगे तो उसकी वजह से भी जो है जो दिल्ली में जो है बहुत से मरीज़ों को जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव, 24 पॉजिटिव उसमें आए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में ये मरीज़ फैल चुके हैं, ये वायरस के जो रुग्ण हैं फैल चुके हैं। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हो
आप जो है सामने से हेल्थ सर्विस के पास जाए और ख़ुद का चेकअप करा लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो है एक महामारी है और इससे हमें सबको निपटना है। ये किसी कास्ट या धर्म या किसी एक कबीले की पुरता मर्यादित नहीं है, ये पूरी दुनिया पे आई हुई एक आपदा है, जैसे मैंने कहा एक पैंडेमिक है, तो हमें इससे बचना है दोस्तों। कृपया करके जिस किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण तैयार हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कबीले का, किसी भी धर्म का हो, वो इमिडिएटली हेल्थ सर्विसेज के पास जाए और खुद को चेकअप कर ले, सैनिटाइज रहे, खुद जो है अपने हाथ बार-बार धोए, अपने आप को मास्क लगाए मुँह को, और जो है दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग रखिए दोस्तों। अपने को अगर समझो किसी को भी लक्षण तैयार हुए हैं वो दूसरों से अलग रहे दोस्तों। अब बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। अब इसके साइन सिम्टम्स हम पहले बताएंगे दोस्तों। फीवर, हाई ग्रेड फीवर, मतलब 100 के ऊपर, 101 के ऊपर अगर फीवर हो तो वो एक चिंता का बात है। फिर आपको नाक में से पानी जाना, गले में दर्द होना और सूखी खांसी होना, और उसी के साथ एक महत्वपूर्ण लक्षण इसमें पैदा हुआ है वो है ब्रेथलेसनेस, मतलब आपको दम लगना। कोई भी साधारण फ्लू के पेशेंट में इस प्रकार से दम नहीं लगता है, और साधारण फ्लू के पेशेंट में जो कफ है वो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं स्पूटम एक्सपेक्ट्रेंट, कफ विथ एक्सपेक्ट्रेंट ऑफ स्पूटम। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपको इस चीज़ 4-5 लक्षणों में से कोई भी लक्षण हो तो आप अपने आप को आप अपने आप को क्वारंटाइन करें और इमिडिएटली आप हॉस्पिटल पर चले जाएँ दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको क्वारंटाइन और आइसोलेशन का मतलब समझाया था। क्वारंटाइन मतलब सस्पेक्ट होता है और आइसोलेट मतलब उसको पेशेंट को हम अलायदा करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब इसके टेस्ट के ऊपर आते हैं, आप इसके टेस्ट क्या करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें एक स्वैब टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं थ्रोट स्वैब। फिर इसमें जो है आपका जो आपका एक्सरे भी किया जाता है अगर बहुत बड़ा हो, और मेन टेस्ट इसमें CBC है। CBC में आपको वायरल लोड इसमें वायरल लोड नहीं दिखेगा CBC में, इसमें आपको WBC कम हुए वैसे दिखेंगे, प्लेटलेट कम हुए दिखेंगे, और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट घटक है वो HP। तो ये तीन चीज़ें इसमें हमें दिखते हैं, इसमें भी हमें वायरल है या बैक्टीरियल है ये समझ में आ सकता है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं, इसके जो है किट, बहुत से किट तैयार हुए हैं, मुंबई पुणे में इसके टेस्टिंग लैब्स है, औरंगाबाद में भी शुरू हुआ है, सोलापुर में एक जगह शायद शुरू हुआ है, लातूर में भी एक शुरू होने वाला है। अब इसके ट्रीटमेंट के फॉर्मूले के ऊपर आते हैं दोस्तों। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको बुखार है पैरास्टामोल लेना है, आपको जो है बार-बार ज़्यादा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, ठंडा नहीं पीना है, और आपको जो है ठंडी चीज़ें अवॉइड करना है, और आपको जो है इसमें इसका ट्रीटमेंट का फॉर्मूला ऐसा है, इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो क्लोरोक्विन जो मलेरिया का ट्रीटमेंट का एक भाग है, क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये क्लोरोक्विन का एक डेरिवेटिव है दोस्तों, तो वो इसमें दिया जा रहा है 400 mg PD ऐसा दिन में 2 टाइम, फिर 4 दिन जो है 200 mg PD ऐसा इसका 5 दिन का हम डोज दे रहे हैं दोस्तों। फिर इस डोज को हम 8 दिन, 7 दिन या 9 दिन भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक हुआ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसमें दे रहे हैं। फिर इसमें साथ में जो है दोस्तों ओसिलटामिविर, जो स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट था 75 mg PD ये जो है हम 5 दिन उसको दे रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3 इसमें हम दे रहे हैं पेशेंट को रेटोनोवीर और लोपोवीर, दोनों में से एक रेटोनोवीर और लोपोवीर, ये जो है ये भी एक एंटीवायरल ड्रग है, ये भी हम पेशेंट्स को दे रहे हैं। साथ में हम पेशेंट को दे रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिक्लेव और लियोफ्लॉक्सिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, मतलब कोई भी एक एंटीबायोटिक दे दे। तो मैं तो आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिक्लेव ये चेस्ट में अच्छा काम करते हैं। उसी के साथ हमें पैरास्टामोल टाइम टू टाइम देना है फीवर कम करने के लिए। उसी के साथ हमें इसका ओरल रिहाइड्रेशन या उसका रिहाइड्रेशन मेंटेन रखना है दोस्तों। ये इसके ट्रीटमेंट का फॉर्मूला है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ओसिलटामिविर, लोपोवीर, रेटोनोवीर और एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिक्लेव, पैरास्टामोल कभी भी बुखार आए, ओरल रिहाइड्रेशन रखे, पेशेंट को जो है नेबुलाइज करे बार बार, उसको भाप दे, उसको भाप देने की वजह से चेस्ट में जो कंजेशन तैयार होगा वो कम होगा, उसको गर्म पानी से बार बार गार्गल्स या कुल्ली जिसको हम कहते हैं वो करने को लगाए दोस्तों। अब इसके प्रिकॉशन में आते हैं, ठंडा बिल्कुल नहीं खाना है, AC में नहीं रहना है, कूलर का कम यूज़ करें और फ्रिज की चीज़ें अवॉइड करें दोस्तों,
जिससे ठंडा कफ बन सकता है ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ जो है ये आप जो है इसका लक्षण, आप आइसोलेट रहे, लोगों से दूर रहे। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आप सब घरों में ही कैद हैं दोस्तों, तो कृपया करके जब तक लॉकडाउन का पीरियड है तब तक घरों में रहे और गवर्नमेंट की और हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो दूसरों तक पहुँचाएँ और शेयर करें और लोगों को जानकारी दें और खुद स्टे सेफ स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।